एक पिता, बाप, फादर, नाम फजल मोहम्मद, बहुत सारी पत्नियां थीं। फजल पंजाब के एक जमींदार, काफी पत्नियों में एक थी सरदारी बेगम। इनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया अब्दुल हई। अब्दुल हई की मां और अब्दुल हई के बाप के बीच में कभी भी बनी नहीं, झगड़ा चलता रहा, अनबन होती रही। बच्चे को, यह अब्दुल हई नाम का जो बच्चा था, इसको बचपन से ही अभावों का शिकार होना पड़ा, बाप का प्यार नहीं मिला। और बाप ने जानबूझकर बच्चे का नाम अब्दुल हई रखा, क्योंकि इस जमींदार फजल मोहम्मद का एक कट्टर जानी दुश्मन था, उसका भी नाम था अब्दुल हई। फजल मोहम्मद के मन में अब्दुल हई नाम के प्रति इतनी नफरत और हकारत थी कि कोई व्यक्ति इस सीमा तक चला जाएगा कि उस नफरत और हकारत को सामने ला सके और गाली दे सके, इसलिए कोई अपने बेटे का नाम दुश्मन के नाम पर रख लेगा। मुकदमेबाजी भी हुई और इस बच्चे ने, अब्दुल हई नाम का जो बच्चा था, उसने कोर्ट में अपने वालिद के खिलाफ गवाही दे दी। इस बात से, मुकदमे से, बाप तिलमिला गया और कहते हैं कि इस बच्चे को मरवाने के लिए गुंडे भी भेजे। अब्दुल हई नाम के बच्चे की मां ने अपने जेवर बेच के अपने बेटे को बचाने के लिए गार्ड्स तैनात किए और किसी तरह से मां भी बच गई और बेटा भी बच गया। इस वाक्य से मालूम होता है कि किस अभाव, किस पीड़ा, किन मुसीबतों से इस बच्चे ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, किस तरह छोटी सी उम्र में दुखों के साथ अपनी जिंदगी को जिया, इतने अभाव, इतनी पीड़ाएं, इतनी तकलीफें देखी, गहरे रिश्ते को टूटते देखा। जिंदगी को इतने करीब से देखने के बाद ही अब्दुल हई एक दिन बन बैठा साहिर लुधियानवी। बात चली है 1964 की, तो साहिर लुधियानवी की एक फिल्म चित्रलेखा। मैं यहां पर भी बता दूं कि साहिर लुधियानवी के जो फादर थे वो अंग्रेजों के पिट्ठू हुआ करते थे। उस जमाने में हिंदुस्तान के जो जमींदार थे, अंग्रेजों की गुड लिस्ट में रहना चाहते थे, उनकी चमचागिरी करते थे, उनके साइकोफेंट्स हो जाते थे। ये वजह से भी बालक साहिर के मन में ये था कि फादर जो हैं उनके, वो अंग्रेजों के गुलाम हैं। और इस बच्चे के मन में अपनी मादरे वतन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए कहीं ना कहीं एक जोश था, सेवा करना चाहता था, दासता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना चाहता था भारत माता को। तो 1964 में एक फिल्म आई थी, केदार शर्मा ने डायरेक्ट किया था, चित्रलेखा नॉवल पर आधारित थी। चित्रलेखा नॉवल को लिखा था भगवती चरण वर्मा ने। इसी टाइटल को लेकर 1941 में भी एक फिल्म बनी थी और इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था केदार शर्मा ने। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1964 की फिल्म जिसे डायरेक्ट किया केदार शर्मा ने। फिल्म का नाम चित्रलेखा, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन और गीत लिखे साहिर लुधियानवी ने। साहिर लुधियानवी पंजाब, पंजाबी, उर्दू, लेकिन जब हिंदी भाषा में लिखने का अवसर मिला तो, क्योंकि जन्मजात जिनके अंदर माँ सरस्वती की कृपा होती है, तो वो भाषा बंधन नहीं हो सकती है उनके लिए। तो देखिए साहिर क्या लिखते हैं, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ये गीत नहीं है, ये दर्शन है, ये सत्य का दर्शन है। भगवान, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी अपना ना सके, उस लोक में भी पछताओगे। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ये कितनी सुंदर, हिंदी हमारी जो राष्ट्रभाषा है इसी में है कि मन रे काहे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। लेकिन मैं बात यह है, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ये संसार ही है सब, मुझे क्या मालूम स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मुझे किसने मालूम। मुझे तो, मैं तो तुमको जानता हूं भाई। मेरे लिए अगर स्वर्ग है तो ये संसार है, और नरक है तो यही संसार है। यही मेरा नरक है, यही मेरा स्वर्ग है। मुझे क्या मालूम मेरे मरने के बाद क्या होगा।
इतनी बड़ी जीवन का दर्शन, कभी समय मिला तो मैं बताऊंगा ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा रचना को अगर ठुकराओगे, इसका पूरा का पूरा व्याख्या मैं करूंगा, मैं इसमें शिव और पार्वती और शिव पुराण के कुछ प्रसंगों का वर्णन आपके सामने करूंगा आगे आने वाले सभाओं के अंदर, मुझे याद दिलाते रहिएगा। अभी तो बात चल रही हिंदी भाषा की, नहीं साहिर के अलावा भी 1964 में कुछ और फिल्में रिलीज हुई हैं, और संयोग से एक और नाम ध्यान आ रहा है हिंदी भाषा का, ना सिर्फ कवि प्रदीप है बल्कि एक और नाम ध्यान आ रहा है पंडित भरत व्यास का। अगर सही मायनों में फिल्म सती सावित्री के गीत का जिक्र करना चाहूंगा, पंडित भरत व्यास ने गीत के बोल लिखे हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं, तुम प्रणय के देवता हो मैं समर्पित फूल हूं। तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं, तुम प्रणय के देवता हो मैं समर्पित फूल हूं, और तुम महासागर की सीमा मैं किनारे की लहर, तुम महासागर की सीमा मैं किनारे की लहर, तुम महासंगीत के स्वर मैं अधूरी सांस भर, तुम हो काया मैं हूं छाया, तुम क्षमा मैं भूल हूं। देखिए क्या, अरे सर हमारे हमारी ये जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, इसको क्यों क्यों हम बोलते हुए लज्जित होते हैं, क्यों शर्म करते हैं, क्यों हमको लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाला आदमी विद्वान होता और हिंदी बोलने वाला या मराठी बोलने वाला या गुजराती बोलने वाला या बंगला बोलने वाला जो अपनी भाषा बोलने वाला मूर्ख होता है, ऐसा क्यों हो गया है? ये कॉलोनियल स्लेवरी है। 67 साल पहले देश आजाद जरूर हो गया था पॉलिटिकली, लेकिन मानसिक रूप से हिंदुस्तानियों को आजादी अभी भी मिलनी बाकी है। बात है 1964 की, और अब चर्चा करेंगे इश्क मोहब्बत की निशानी ताजमहल की, और ताज पर लिखे हुए दो गीतों की। ये गीत जिस फिल्म में थे, ये दोनों फिल्में इसी साल आई 1964 में। एक गीत में ताजमहल की तारीफ है तो दूसरे में तंज है, व्यंग है। कौन सी फिल्में हैं, कौन से गीत हैं, क्या अशार हैं, क्या बोल हैं, माजरा क्या था, बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।